कि जैसे हम एक दिन में एक चैप्टर खत्म करते हैं, वैसे आज हम प्लांट किंगडम को खत्म करते हैं। तो इसमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आज जो तकनीक और आज जो हम लोग तरीका आपके साथ लेकर के आए हैं, और उस तरीके में मैं आपको जो चीजें बताने आया हूँ, उसमें मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे बच्चों, तो थोड़ा सा फोकस करने में आपको डेफिनेटली प्लांट किंगडम का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो डॉक्टर राम गोपाल, सुरेश, आरशी, आमिर, मोहम्मद जावेद और खुशी वर्मा, अमित सिंह, मोहम्मद जावेद, निकिता चौधरी, आप सभी को गर्मा गर्म वेलकम, गर्मा गर्म गुड मॉर्निंग। आप सब तैयार हैं क्लास करने के लिए? आज एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, पेन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आप सब लोग बिल्कुल रेडी होकर के बैठिए, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें इस लेक्चर का। तो जैसा कि मैं कई बार कहता हूं और मैं फिर वही बात कह रहा हूं बच्चों, कि किसी भी चैप्टर में दो ही चीजें होती हैं, एक समझने वाली, एक याद करने वाली। तो जो समझने वाली चीजें हैं उनको मैं पहले डिस्कस कर देता हूं, फिर याद करने वाली चीजें आपको मैं कराऊंगा एक एक करके, ठीक है? तो जो लोग नए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में पता चलता रहे। बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आ रहा है, इसको लाइक कर लें और शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक इस चीज को पहुंचाया जा सके। अब बेकार की बातें बंद करके मुद्दे की बात करते हैं, प्लांट किंगडम। बच्चों, प्लांट किंगडम में जो समझने वाली बात है, पहले उसका हम जिक्र करेंगे कि प्लांट किंगडम में कौन सी चीजों को समझना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले प्लांट के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लांट के बारे में आपका क्या नजरिया है? अक्सर बच्चे प्लांट का, जो मैं समझता था जब मैं छोटा था, आप भी समझते होंगे, आप भी छोटे ही हैं, हालांकि थोड़े बड़े हो गए, बड़े भी नहीं हुए, छोटे भी नहीं है, बीच में अभी आप हैं, एडोलसेंस वाली स्टेज चल रही है आपकी। तो अक्सर जब मैं छोटा था तो मैं यही सोचता था प्लांट माने वो जो हरा होता है, ग्रीन होता है, क्योंकि ट्री आसपास दिखते थे, कभी जामुन के, कभी कटहल के, कभी महुआ के, कभी आम के, घास वास दिखती थी। उस जमाने में नर्सरी वगैरह होती नहीं थी, तो अपन के दिमाग में प्लांट का मतलब होता था ट्री, पेड़, पेड़ पौधे ही प्लांट होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, कई बार जो हम जानते हैं उतना ही सच नहीं होता, सच उससे ज्यादा होता है। दुनिया में हजारों तरह के प्लांट्स हैं, और उन प्लांट्स को पढ़ने के लिए पूरी एक प्लांट किंगडम है, जो विटेकर साहब ने, ये किंगडम था इनके पास, लीनियस ने बनाया था किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर विटेकर ने भी बनाया कॉर्नवूज में। तो प्लांट किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट कितना है बच्चों। ये किंगडम इतना इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम का जिक्र है, लेकिन वहां पढ़ाया नहीं गया, इसको पढ़ाने के लिए अलग चैप्टर बना दिया गया, सेपरेट। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको डायरेक्ट एक ऐसा चार्ट दिखाता हूं, डायरेक्ट एक ऐसा चार्ट दिखाता हूं, जिस चार्ट की मदद से आप क्या करेंगे, आप पूरे के पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। तो अभी समझना है, अभी समझना है, अभी याद नहीं करना, किसी को कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। और मैं आपको दिखाता हूं, और आपको क्या दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है, देखो बीचों बीच दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है? अरे मैंने छुपा दिया, अरे किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। ये है प्लांट किंगडम, ये क्या है, प्लांट किंगडम। और इसे कितनी कितनी शाखाएं निकली है, देखो एक नीचे ये निकली है, दो इधर निकली है, और तीन इधर निकली है। तो आज मैं आपको इसी प्लांट किंगडम के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए गौर से आप इस प्लांट किंगडम को समझे। मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूं धीमे धीमे, पहले मैंने इतना बड़ा किया, फिर और बड़ा किया, फिर और बड़ा किया, फिर और बड़ा किया, फिर और बड़ा किया, और फिर मैंने इसको पूरा का पूरा बड़ा कर दिया। तो ये गोला जो आपको दिख रहा था, ये प्लांट किंगडम से रिलेटेड चीजें थी, इसमें सारी चीजें मैंने प्लांट किंगडम की कवर करी है। मैं धीमे धीमे करके बताऊंगा, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों, प्लांट किंगडम में सबसे पहले मैं आपको काउंटिंग करके यहां समझा देता हूं, ताकि आपको काउंटिंग याद रहे। सबसे पहले आपको नंबर वन, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर,
नंबर 5 और नंबर 6, ये 6 चीजें पढ़नी होती हैं। चैप्टर एक बार में कैसे समझना है, जब एक बार में पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है ना, तो फिर उसमें याद करने की दिक्कत नहीं होती। याद करने की दिक्कत तभी होती जब पूरा हमको आइडिया क्लियर नहीं होता। तो मैं एक एक को बड़ा करके दिखाऊंगा, एक एक चीज को आप आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बड़े इत्मीनान से समझ लो ताकि याद करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, और अब ये 1, 2, 3, 4, 5 में सबसे पहले मैं चलता हूं 1 की तरफ। ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़ा करूंगा ताकि आप इसको समझ पाए। तो देखिए, बड़ा करता हूं मैं पहले इसको, और बड़ा करके दिखाता हूं इसको। ये देखिए, सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा एल्गी पर, और वो भी एल्गी को पढ़ाने पे नहीं, एल्गी को समझाने पे फोकस रहेगा। अब एल्गी के बारे में सब जानते हो, हिंदी में शैवाल कहते हैं, अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं, और इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई है एल्गी की कि इसको पढ़ने के लिए एक ब्रांच ऑफ साइंस बना दी गई जिसका नाम है फाइकोलॉजी। इसका नाम है फाइकोलॉजी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, ध्यान से सुनना आप, गौर से सुनना आप अच्छे से। सबसे पहले बच्चों, एल्गी के लिए जो सिलेबस में है और जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे उसकी बात करता हूं। बच्चों 3 क्लासेस पढ़नी है सिलेबस में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। आप कहोगे क्लास कहां से आ गई? अरे भाई, एल्गी बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि उनको 11 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। 11 में से 3 चुनिंदा क्लासेस को सिलेबस में ले लिया गया है, और उन 3 क्लास का नाम है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इन्हीं तीनों को पढ़ना है। अब इन तीनों में पढ़ना क्या है, किसी एल्गी के बारे में क्या पढ़ोगे आप, जरा सोच के बताओ। अभी याद मत करना कुछ भी, अभी कुछ मत याद करना, क्योंकि याद कराऊंगा मैं। किसी भी एल्गी के बारे में क्या पढ़ोगे, उसका शरीर कैसा है, उसमें पिगमेंट कैसे है, वो खाना कैसा बनाता है, और उसका रिप्रोडक्शन और मूवमेंट कैसा होता है, वो चलता फिरता कैसे, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, पिगमेंट और खाना कैसा बनाता है, यही सारी चीजें आपको एल्गी के बारे में पढ़नी होती हैं। तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, जरा गौर से समझना। सभी लोग एक ही बार में प्रयास करना याद हो जाए, सॉरी, एक ही बार में प्रयास करना समझ में आ जाए, ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। क्लोरोफाइसी के पिगमेंट यहां लिखे हुए, ये देखिए, क्लोरोफिल ए और बी, यहां क्लोरोफिल ए और सी, और यहां क्लोरोफिल ए और डी। तो आपको अगर ABCD आती है तो यहां पर BCD, अगर ये सीक्वेंस याद है तो ये सीक्वेंस कभी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस सही लिखा हुआ है, BCD, क्लोरोफिल ए के साथ बी, क्लोरोफिल ए के साथ सी, क्लोरोफिल ए के साथ डी। तो क्लोरोफिल ए तो कॉमन हो गया, BCD अलग अलग हो गया। अब इसमें उल्टा पुल्टा मत कर देना, क्लोरोफाइसी को नंबर 1 पे रखना, ब्राउन एल्गी को नंबर 2 पे रखना, और रोडोफाइसी को नंबर 3 पे रखना। अगर ये उल्टा पुल्टा हो जाए तो यहां पर फिर ABCD याद कर लेना। बी देखो, बी बीच में, ABC, हालांकि यहां पे ए और बी नहीं है, लेकिन यहां पर बी याद रखना। तो यहां पर ABC याद रखना, और यहां पर ABC याद रखना, अपने आप सेट हो जाएगा, कभी भी पिगमेंट भूलेंगे नहीं। ब्राउन एल्गी सी, यहां पर ब्राउन एल्गी में सी याद रखना, ग्रीन में बी याद रखना, और रेड में डी याद रखना। रेड का देखो, रेड में भी डी है, और यहां भी डी, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इनका जो स्टोर्ड फूड है, किसका, एल्गी का, वो सबका एक समान नहीं है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन ओरिएंटेड हिस्सा है। तो भैया, जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो हायर प्लांट से मैच करते हैं, जब वो हायर प्लांट से मैच करते हैं तो उनका रिजर्व फूड भी हायर प्लांट से मैच करेगा, और हायर प्लांट्स का रिजर्व फूड होता है स्टार्च, तो इनका भी रिजर्व फूड क्या है, स्टार्च। इसके बाद अगला आएगा मैनिटॉल लेमिनेरिया, यहां पर भी आपको रिजर्व फूड याद रखना है, और यहां पर फ्लोरिडियन स्टार्च, यहां पर भी आपको रेड एल्गी का रिजर्व फूड याद रखना होगा, बिल्कुल मत भूलना। आगे चलते हैं सेल वॉल, लगभग सब में सेलुलोज है, यहां भी सेलुलोज, यहां भी सेलुलोज, यहां भी सेलुलोज, लेकिन सेलुलोज के साथ एडिशनल यहां एल्गिन है, और यहां पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स हैं। ये पॉलीसल्फेट जो ईस्टर्स होते हैं, इनको अगर निकाल लिया जाए तो ये बड़े लिसलिसे, चिपचिपे, लुबलुबे, दुलबुले, बुलबुले होते हैं, चिपचिपे ऐसे, जैसे आपने जेली वगैरह देखी होगी। इनको फाइकोकोलोइड्स भी कहा जाता है, 2 प्रकार के होते हैं, सल्फेटेड और नॉन सल्फेटेड। NCERT ने यहां पर केवल पॉलीसल्फेटेड ईस्टर का इस्तेमाल किया है। अगर आप एक चीज का नाम जानते होंगे, अगार अगार, याद है क्या, जिलेडियम और ग्रिसलेरिया, याद है क्या, ये दोनों कौन सी एल्गी हैं, डेफिनेटली रेड एल्गी हैं, और ये सेल वॉल के ऊपर एक एडिशनल परत पाई जाती है, किसकी,
पॉलीसल्फेट ईस्टर की। आपको अच्छे से याद करना, गड़बड़ मत करना, मन लगा के बिल्कुल स्टैंप लगा देना कि भाई साहब एल्गी की बस खत्म, एल्गी में इसके सिवा कुछ नहीं है। इसके बाद फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, देखिए इसमें 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, इसमें 2 ही होते हैं, इसमें होते ही नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादा फ्लैजिला है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर खत्म है, तो फ्लैजिला घटते हुए चले जा रहे हैं। यानी कि ग्रीन एल्गी से रेड एल्गी की तरफ आओगे, बीच में ब्राउन एल्गी पड़ेगा, तो फ्लैजिला घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, फ्लैजिला घट रहे हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, तीनों के तीनों पानी में होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर यहाँ भी है, फ्रेश वाटर यहाँ भी है, फ्रेश वाटर यहाँ भी है, लेकिन इसके ब्रैकेट में लिखा है रेयर। यानी कि ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में रेयरली पाए जाते हैं। कौन? ब्राउन एल्गी। कहाँ? फ्रेश वाटर में। क्या? रेयरली पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है रुका हुआ, गड्ढों में वाला पानी, है ना। और ये सॉल्ट वाटर में भी हो सकते हैं। इसके अलावा एल्गी में आपको कोई भी चीज समझने की नहीं। अब एक बात मैं आपको ऐसे समझा दूं बहुत शॉर्ट में, सुनना गौर सुनना, एक ही लाइन की बात है, बस समझ जाओगे। जो लोग पानी में रहते हैं उनका शरीर पानी के हिसाब से होगा या जमीन की तरह होगा? पानी की तरह होगा। शरीर मुलायम होगा, शरीर में रूट स्टेम लीफ नहीं पाई जाएगी। पानी में पाए जाने की वजह से उनके शरीर में डेसिकेशन से बचने का एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक म्यूसिलेजिनस लेयर होनी चाहिए शरीर में चारों तरफ। और एक बात, जितने भी एल्गी बच्चों होते हैं वो जब पानी में पाए जाते हैं तो पानी सब जगह एक तरह का नहीं है दुनिया में। अगर आप पूरा वर्ल्ड मैप देखोगे तो कहीं पानी गर्म है, कहीं पानी ठंडा है, कहीं पानी खारा है, कहीं पानी मीठा है, कहीं तालाबों का पानी है, कहीं झरनों का पानी है, कहीं समुद्र का पानी है, कहीं पर गड्ढों का पानी है। तो जब पानी अलग अलग तरह का है तो वहां पर पाए जाने वाले एल्गी भी अलग अलग तरह के होंगे, है ना। और उनका रंग भी अलग अलग तरह का होगा, और रंग अलग अलग क्यों होंगे, क्योंकि उनके पिगमेंट अलग अलग होंगे। तो ये सारी स्टोरी तो निकल के आ रही है, पिगमेंट के नाम याद कर लो, खाना कौन सा बनाएंगे ये याद कर लो, और साथ में उनकी सेल वॉल में कुछ एडिशनल मटेरियल तो नहीं है, एल्गिन तो नहीं है, फाइकोकोलोइड्स तो नहीं है, सल्फेटेड और नॉन सल्फेटेड अगर अगर तो नहीं है। ये सारी चीजें अच्छे से दिमाग में रख लो, एल्गी खत्म। अब चलते हैं हम दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बच्चों क्या, जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा अभी समझने वाला काम कर रहे हैं भाई, अभी समझने वाला काम कर रहे हैं, अभी याद करने वाला काम नहीं कर रहे हैं। ये आया आपका ब्रायोफाइटा। दुनिया में जब पानी था तो एल्गी थे, लेकिन धीमे धीमे पानी कम हुआ या पानी से जमीन बन गई तो कुछ लोगों ने पानी से जमीन में रहना सीखा होगा। और जब कोई ने पानी से जमीन में रहना सीखा होगा तो एकदम से कूद के डुबकी लगा के, भैया लो डुब्बी मार के पानी से निकल के जमीन में तो आ नहीं गए होंगे, धीरे धीरे आए होंगे। जब धीरे धीरे आए होंगे तो उनमें विकास भी धीरे धीरे हुआ होगा। तो वो पहले प्लांट जिन्होंने पानी से निकल के जमीन में रहना सीखा, उन्होंने पानी की भी आदतें बना के रखी और जमीन की कुछ कुछ आदतें सीख ली। तो वैज्ञानिक उन्हें कहते हैं कि भैया ये एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम है। और जब मैं बात करता हूं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, इसका मतलब उनके शरीर में, उनके रिप्रोडक्शन में, उनके बॉडी में, उनके पिगमेंट्स में, उनके शरीर और जीवन की और प्रक्रियाओं के हर हिस्से में आपको दो दो चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ जमीन वाली, स्थल वाली, टेरेस्ट्रियल, एंड समथिंग अबाउट द एक्वेटिक। सो ऑर्गेनिज्म दैट हैव ड्यूअल नेचर, एक्वेटिक नेचर एंड टेरेस्ट्रियल नेचर, दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एम्फीबियन प्लांट्स, एंड मिस्टर ब्रायोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। बच्चों ये बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है एल्गी की तरह, नो छोटा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है। और ब्रायोफाइटा में जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनका पूछने का जो एक सेगमेंट फिक्स है कि वो इसी एरिया से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बताऊंगा अभी आपको, जहां पे आपको याद कर लेना कि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल समझने वाली बात, तो ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं उनको जब देखोगे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। चलिए मेरी उंगली पकड़िए और चलते हैं हमारा मसूरी, पकड़िए उंगली चलते हैं मसूरी, नैनीताल, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहां जब हमारे साथ चलेंगे तो आपको पहाड़ों के सड़क के किनारे, पहाड़ों पर, चट्टानों पर चिपके हुए ढेर सारे ब्रायोफाइटा नजर आएंगे। तो जिसने ब्रायोफाइटा देखा है उसको ये पता है कि ये ब्रायोफाइटा आपको जो है समुद्र के किनारे नहीं मिलेंगे,
ब्रायोफाइट आपको रेगिस्तान में नहीं मिलेंगे, ब्रायोफाइट आपको कानपुर और लखनऊ में नहीं मिलेंगे, ब्रायोफाइट आपको मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस में मिलेंगे और वो अक्सर पहाड़ों पर होते हैं। और किसी भी ब्रायोफाइटा को देखना, जो तुमको दिखाई पड़ रहा है वो उसकी मेन प्लांट बॉडी है, और उसकी मेन प्लांट बॉडी को गौर से देखना तो उसकी जितनी भी सेल्स होंगी सारी हैप्लॉयड सेल्स होंगी। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रायोफाइटा का मुख्य शरीर हैप्लॉयड सेल से मिलकर बना होता है, इसीलिए ब्रायोफाइटा के मेन प्लांट बॉडी को गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कहते हैं। ध्यान से सुन लेना, ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो उसकी मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉयड सेल की बनी है। और एक चीज, गैमेटोफाइट का मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, आगे भविष्य में उसी बॉडी पर गैमेट बनेंगे, तो वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल जैसा कि सिंपली समझना है कि ब्रायोफाइटा दो तरह के हैं, ब्रायोफाइटा एक होते हैं मॉसेस, एक होते हैं लिवर वर्ड्स। बच्चों एनसीईआरटी बड़ी खूबसूरती से एक लाइन लिखती है कि जो लिवर वर्ड है वो प्रिमिटिव है और मॉसेस है वो एडवांस है। तो ब्रायोफाइटा में जो मॉस होते हैं और जो लिवर वर्ड होते हैं, उन दोनों की अगर तुलना करोगे तो ये एडवांस है और ये प्रिमिटिव है। बच्चों इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया और इसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया, रिस्किया, पेलिया, ये सब। तो अब एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ब्रायोफाइटा का शरीर कैसा होता है, गैमेटोफिटिक। कैसा होता है? गैमेटोफिटिक। और गैमेटोफिटिक शरीर, आमतौर पर गैमेटोफिटिक शरीर अगर आप देखो किसी भी बॉडी का, किसी भी ब्रायोफाइटा का, तो गैमेटोफिटिक शरीर थैलस की भांति होता है। थैलस की भांति, थैलस समझते हो ना, जैसे मेरा हाथ है, मैं हाथ यहां से चपका दूं ऐसे, तो जो मेरा पंजा दिखाई दे रहा है, पंजे का बैक हैंड दिखाई दे रहा है, वो थैलस की तरह है। मतलब शरीर विभाजित नहीं है रूट स्टेम लीफ में, इसको थैलस कहते हैं। तो मॉसेस में थैलस होता है, लिवर वर्ड में भी थैलस होता है, और ये दोनों जो थैलस होते हैं, जो चिपके रहते हैं, जो दिखाई देते हैं, ये एक्चुअली क्या है? ये गैमेटोफिटिक बॉडी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन ये लाइन एनसीईआरटी वाली बोल रहा हूं, सुन लेना, समझ लेना। लेकिन मॉसेस में, मैं मॉसेस की बात कर रहा हूं, मॉसेस में एक तो ये हो गया थैलस जो कि गैमेटोफाइट का रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक और चीज होती है केवल मॉसेस में, वो लिवर वर्ड में नहीं होती, एक और चीज होती है मॉसेस में, वो भी गैमेटोफाइट का रिप्रेजेंटेशन करती है। क्या आप में से किसी को उसका नाम पता है? बच्चों उसका नाम है प्रोटोनीमा। क्या नाम है उसका? प्रोटोनीमा। तो बच्चों गौर से सुनना, जो प्रोटोनीमा है वो भी गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मॉसेस में गैमेटोफाइट की दो स्टेजेज होती हैं। मॉसेस में गैमेटोफाइट दो रूप में नजर आता है, एक प्रोटोनीमा के रूप में, लीफ बिल्कुल जैसे फिलामेंट के रूप में, और दूसरा उसका प्रोथेलस या उसका थायलॉइड बॉडी। लेकिन बच्चों लीवर वर्ड में ऐसा नहीं होता, लीवर वर्ड में ये प्रोटोनीमा टाइप का कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, ये केवल मॉस का फीचर है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है। तो बहुत ध्यान से समझना कि भैया जब मॉस की पढ़ाई करना तो उनका गैमेटोफाइट दो स्टेजेस दिखाता है, प्रोटोनीमा स्टेज और सेकेंड इज द थायलॉइड स्टेज। लेकिन लीवर वर्ड में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, वो सिंपल बॉडी उनकी होती है। इसमें जो क्वेश्चन, जो इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट याद करने की चीजें हैं वो आपका इंतजार कर रही हैं। मैं आपको जल्द से जल्द अभी का अभी, आज का आज, वो सब याद करा दूंगा, बस आपको थोड़ा इंतजार करना है। क्योंकि अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा ब्रायोफाइटा के बाद, सीधे बात करूंगा मैं टेरिडोफाइटा की आपके साथ, और आपको टेरिडोफाइटा समझाऊंगा। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रायोफाइटा के बारे में कि ये जमीन से, पानी से निकल के जमीन में पहली बार रहने आए, लेकिन ये पूरी तरीके से मतलब जमीन में रहने के काबिल नहीं थे। इनको पानी आसपास नहीं होगा तो इनको बड़ी प्रॉब्लम होगी, दे कैन नॉट सर्वाइव, ये पानी की कमी में रह नहीं पाएंगे। लेकिन धीमे धीमे इन्होंने पूरा जमीन में रहना सीख लिया, और जब इन्होंने पूरा जमीन में रहना सीख लिया तो अपने अंदर बहुत सारे बदलाव किए, और जब पूरे बदलाव किए तो पूरे बदल गए, जब बदल गए तो बन गए टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा से ही टेरिडोफाइटा का विकास हुआ, लेकिन टेरिडोफाइटा को पहले फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कहते हैं। इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम भी कहते हैं, दो नाम, सक्सेसफुल लैंड प्लांट। ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट इसीलिए हैं क्योंकि ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम है। वैस्कुलर मतलब जाइलम फ्लोएम बन गया, जाइलम फ्लोएम ना होता
तो ये जमीन में न रह पाते। जमीन में रहने की शर्त है कि जमीन से पानी खींचो, क्योंकि जब तुम पानी में रहते हो, पानी के आसपास रहते हो, तो तुमको जाइलम फ्लोएम की क्या जरूरत भाई। लेकिन जब तुम जमीन में रहना सीखोगे तो तुमको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम होना पड़ेगा। वैस्कुलर का मतलब जाइलम फ्लोएम होना, क्रिप्टोगैम का मतलब फेंड्रोगैम से उल्टा क्रिप्टोगैम। तो बच्चों ये जो टेरिडोफाइटा थे ये ना केवल सक्सेसफुल लैंड प्लांट थे बल्कि ब्रायोफाइटा से एडवांस थे। अब ब्रायोफाइटा से किस मामले में एडवांस थे, आप किसी भी टेरिडोफाइटा का देखो, किसी भी टेरिडोफाइटा को अपने आसपास देखो, निहारो गौर से, चश्मा लगा के, बिना चश्मा लगा के, आप जब भी टेरिडोफाइटा को देखोगे, चाहे साइलोटम को देखो, हालांकि तुम देख नहीं पाओगे कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, चाहे सिलेजिनेला को देखो वो भी नहीं देख पाओगे कि वो आसपास मिलता नहीं है, चाहे इक्विसिटम को देखो ये भी बहुत रेयर दिखता है। हाँ ड्रायोप्टेरिस आपको खूब दिखेगा, आसपास भी दिखेगा, नर्सरी में भी दिखेगा। तो आप किसी भी टेरिडोफाइटा को देखो, देखने का मौका मिले तो जो आपको दिखाई पड़ेगा ना, आपकी आंखों जो दिखाई पड़ेगा वो उसका मेन प्लांट बॉडी होगा। जैसे ब्रायोफाइटा को देख रहे थे उसकी मेन प्लांट बॉडी देखी थी, थैलस थी, वैसे इनकी जब बॉडी देखोगे तो वो इनकी प्लांट बॉडी है, लेकिन इनकी प्लांट बॉडी थैलोइड नहीं होती, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इनकी प्लांट बॉडी थैलोइड नहीं होती, ध्यान से समझ लीजिएगा। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, इनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है। किसकी प्लांट बॉडी, टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी प्रॉपरली रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड होती है, लेकिन ब्रायोफाइटा की नहीं थी। ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी थैलोइड थी, रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड नहीं थी। और एक बात, किसके किसके बीच में, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में, ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी की सारी सेल 100% सेल्स कैसी थी, हैप्लोइड, इसीलिए इसका नाम क्या था, गैमेटोफिटिक बॉडी। लेकिन टेरिडोफिटिक प्लांट बॉडी की पूरा शरीर हैप्लोइड सेल से मिलके नहीं बना, डिप्लोइड सेल से मिलके बना है बच्चों, इसीलिए इनकी मेन प्लांट बॉडी को कहते हैं स्पोरोफिटिक बॉडी। क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक बॉडी। और ये स्पोर प्रोड्यूस करती है, इनसे स्पोर बनता है, और फिर वो स्पोर जमीन में गिर जाता है, और जमीन में गिरने के बाद फिर एक गैमेटोफिटिक बॉडी बनाता है, फिर उस गैमेटोफिटिक बॉडी में सेक्स ऑर्गन बनते हैं और गैमेट बनते हैं, और गैमेट के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर से एक नया रूट, स्टेम, लीफ, यानी कि नया स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट में फिर स्पोर बनते हैं, स्पोर हैप्लोइड होते हैं, फिर जमीन में गिर जाते हैं, फिर उनसे गैमेटोफिटिक बॉडी बनती है, गैमेटोफिटिक बॉडी में फिर सेक्स ऑर्गन बनते हैं, सेक्स ऑर्गन में फिर गैमेट बनते हैं, गैमेट में फिर हो जाता है फ्यूजन, और फिर बन जाता है जाइगोट, जाइगोट से फिर एक नया स्पोरोफाइट रूट, स्टेम, लीफ बनता है, और रूट, स्टेम, लीफ को बोलते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में फिर स्पोर बनते हैं, और ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है, अनवरत, ये वेरी गुड, इसको लाइफ साइकिल कहते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये आपने समझा कि भैया टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किस प्रकार से अलग है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से किस प्रकार से अलग है। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक, टेरिडोफाइटा की स्पोरोफिटिक, क्योंकि ये रूट, स्टेम, लीफ है, वो थायलॉइड बॉडी है। एक बात और समझ लेते हैं अच्छे से, टेरिडोफाइटा को चार अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइटा में एक था हिपेटिकोप्सिडा और एक था मोसेस, या एक लीवरवर्ड थे, एक मॉस थे, हालांकि वहां एक और होता है, लेकिन दो ही हमको समझने, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो भी डाउट है अब्दुल सहीम मुनकिद, आप अपने डाउट को न्यू लाइट के जो एप्लीकेशन है वहां पे जाके चैट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, या कमेंट बॉक्स में डालें, लाइव चैट के अलावे आप कमेंट बॉक्स में डाल दें तो मैं आपके डाउट ले लूंगा, क्लास के बाद आपके सबके डाउट में लूंगा। इसके बाद ये जो चार क्लासेस हैं एनसीआर ने चारों के नाम बताए हैं, पहला है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। अगर आपको ये नाम नहीं याद हो रहे हैं तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें से साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल साइलोटम है, बड़े आराम से याद करना है आपको। इसके बाद लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल सिलेजिनेला है, यहाँ याद कर लो। स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल एक्विसिटम है, याद कर लो। और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस है, याद कर लो। अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लास याद करनी है तब भी काम चलेगा। देखो ड्रायोप्टेरिस और टेरोप्सिडा, टेरिस यहाँ भी है, टेरिस यहाँ भी, ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद इक्विसिटम स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल है, सिलेजिनेला लाइकोपोडियम, आप एक एग्जाम्पल और ऐड कर सकते हो लाइकोपोडियम, तो लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला लाइकोप्सिडा के मेंबर हो गए। तो कोई तरीका करके आप यहाँ पे एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो बच्चों। तो ये हो गया आपको क्या करने का काम, टेरिडोफाइटा को समझने का काम बच्चों। अब हम थोड़ी बात करेंगे आपके लिए, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे आपके लिए जिम्नोस्पर्म की।
और ध्यान से समझेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। ये रहा जिम्नोस्पर्म। और सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पहले प्लांट पानी में रहना सीखे, फिर पानी और जमीन दोनों में रहना सीखे, फिर जमीन में रहना सीखे। अब तो सब बढ़िया हो गया ना, अब क्या करोगे? अभी और कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे भैया कुछ ऐसा बना दो जो बिल्कुल हटके हो। वो क्या? सीड बना दो। सीड? हाँ। अच्छा सीड की क्या जरूरत? इसका मतलब टेरिडोफाइटा में सीड नहीं होता? हाँ नहीं होता। इसका मतलब ब्रायोफाइटा में सीड नहीं होता? हाँ नहीं होता। इसका मतलब एल्गी में भी सीड नहीं होता? हाँ नहीं होता। सीड पहली बार जिम्नोस्पर्म में बना। इनका नाम ही है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब बिना कपड़ों के, नेकेड। स्पर्म मतलब सीडेड प्लांट, यानी कि नेकेड सीडेड प्लांट को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। यानी कि जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिनके पास सीड तो है लेकिन उसके ऊपर कवरिंग नहीं है। अब सीड के ऊपर कवरिंग किस चीज की होती है? कितने लोगों को पता है सीड के ऊपर कवरिंग होती है? आप लोगों ने सीड के ऊपर कवरिंग को क्या समझ रखा है? सीड कोट? गलत जवाब। सीड कोट होता है, सीड कोट को कवरिंग नहीं कहते बच्चों। कवरिंग कहते हैं फ्रूट को। फ्रूट, फ्रूट नहीं होता। सीड के ऊपर क्या नहीं होता? फल नहीं होता। अगर बीज के ऊपर फल ना हो तो हम बोलेंगे बीज कैसे हैं? नेकेड हैं, नंगे हैं। जब तक बीज के ऊपर फल नहीं होगा तब तक बीज को नेकेड ही कहा जाएगा। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में बच्चों सीड कैसे होते हैं? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में सीड होते हैं नेकेड सीडेड प्लांट। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी। अब दूसरी बात, आपको भ्रम हो रहा होगा कि ये नेकेड सीड का क्या मतलब है, उसके ऊपर कवरिंग होती है कि नहीं होती। तो मैं आपको बता देता हूं, कवरिंग सीड कोट की कवरिंग होती है लेकिन फ्रूट की कवरिंग नहीं होती, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। आप लोगों ने मूंगफली खाई होगी, मूंगफली। तो मूंगफली जब आप खाते हो तो ऐसे करके मूंगफली होती है सींग दाना, एरेकिस हाइपोजिया, उसको ऐसे दबाइए, ऐसे दबाएंगे तो वो छिलका टूट जाएगा। उसके अंदर से बढ़िया रेड रेड कलर के तीन चार पांच, तीन तो निकलते ही निकलते हैं, दो कभी कभी निकलते हैं। उसको ऐसे पलट दीजिए और वो छिलका फेंक दीजिए, फिर ऐसे 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 करिए और वो जो उड़ गया वो क्या था? वो सीड कोट था। वो सीड कोट था। उसी सीड कोट की मैं बात कर रहा हूं, वो सीड कोट होता है। तो फिर क्या नहीं होता? वो जो फेंक दिया फल, वो नहीं होता। किसमें? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बच्चों सीड कोट होता है लेकिन फ्रूट नहीं होता, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड सीडेड प्लांट, और इनमें इनमें भी बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। और साइकस है, पाइनस है, इफिड्रा है, नीटम है, वेलविचिया है, ऐसे बहुत से तरह के प्लांट पाए जाते हैं। सबसे विशिष्ट बात क्या है? सबसे विशिष्ट बात है इनमें सीड का बनना। अच्छा सीड से फायदा क्या हुआ? सीड से फायदा ये हुआ, कोई बताएगा सीड से फायदा क्या हुआ? सीड से फायदा ये हुआ कि अब इनको दूर दूर डिस्पर्स होने का मौका मिला। अगर सीड नहीं होगा तो जिम्नोस्पर्म जो टेरिडोफाइटा थे, जो ब्रायोफाइटा थे, उनके पास सीड नहीं होता तो बेचारे जहां पाए जाते हैं बस वहीं आसपास पाए जाते हैं, यहां वहां बस। अगर उनको वहां 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 पाया जाना है तो सीड होना चाहिए। सीड को वहां फेंक दो, वहां फेंक दो, वहां फेंक दो, अलग अलग जगह ग्रो कर जाएंगे। लेकिन बेचारे टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा लिमिटेड लोकेशंस पे पाए जाते हैं क्योंकि उनके पास सीड ही नहीं होता। जिम्नोस्पर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होता है क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के पास सीड है। अब अगर सीड को और दूर तक भेजना, यहां से फेंको जाके वहां गिरे, आप ऐसे नहीं फेंक सकते। कुछ लालची बना करो, अरे भैया फ्रूट लगा दो, फ्रूट। अब बंदर आएगा, कोई एनिमल आएगा, अमरूद खाएगा, सीड लेके जाएगा और वहां फेंक देगा, भैया अपने आप सीड वहां पहुंच गया। तो आगे जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट आए बच्चों, अब थोड़ा सा बताता हूं आपको एंजियोस्पर्म के बारे में। जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट आए तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आप ध्यान से समझिएगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्रूट का विकास हुआ, फ्लावर एंड फ्रूट बोथ। तो फ्लावर इज द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर वाले प्लांट्स को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो बच्चों सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या हुआ? सबसे पहले प्लांट बॉडी बनी पानी में रहने लायक, उसके बाद दूसरा विकास क्या हुआ? बॉडी
पानी और जमीन दोनों में रहने लायक हुई एम्फीबियंस बने, उसके बाद जाइलम फ्लोएम बने, उसके बाद सीड बना, उसके बाद फ्लावर और फ्रूट बना। तो सीक्वेंस याद रखेंगे, पहले जाइलम फ्लोएम बना कि पहले सीड बना? पहले जाइलम फ्लोएम बना, टेरिडोफाइटा में। पहले सीड बना कि पहले फ्रूट बना? पहले सीड बना। पहले फ्रूट बना कि पहले फ्लावर बना? फ्रूट और फ्लावर साथ में विकास हुआ। बात समझ में आ गई। और इसके आगे फिर डाइकॉट और मोनोकॉट का डेवलपमेंट हुआ। तो ये तो बात हो गई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। यहां पर मैंने आपको बताया डाइकॉट होते और मोनोकॉट होते। अब एक बात और जो समझने वाली है सबसे लास्ट में, फिर हमको याद करने वाले हिस्से में जाना है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको इन तीनों को एक साथ दिखाता हूं, ध्यान समझिएगा। ये तीनों फिगर आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं, मैं चाहता हूं आप इसको याद कर लें, अच्छे से समझ लें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। सबसे पहले मैं आपको ले जाऊंगा इसकी तरफ, आप इस पे फोकस करें और आपका सारा ध्यान इस पे रहे। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से। यहां देखिए आपको ये जो सबसे लास्ट वाला दिखा रहा हूं मैं, ये वाला, ये बच्चों एक ऐसी लाइफ साइकिल है जिस लाइफ साइकिल में दो जो एक सर्किल है वो सर्किल दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर नहीं दिख रहा थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, मैं थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है ये वाला, और एक सेगमेंट बच्चों ये वाला है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा दो खंड हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल अगर सेक्सुअल तरीके से चल रही है, देखिए दो तरीके से लाइफ साइकिल चल सकती है, एक तो बिना पार्टनर के, माने एसेक्सुअल या वेजिटेटिव, तो वो तो कहानी अलग है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तब, उस वक्त कहानी थोड़ी अलग होती है। उस वक्त उसके जीवन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तब उसके जीवन में दो अवस्थाएं अवश्य आती हैं, दो फेजेस जरूर आती हैं, दो जनरेशन मैंडेटरी हैं। पहली जनरेशन बच्चों क्या है? पहली है हैप्लॉयड और दूसरी डिप्लॉयड। क्योंकि जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो गैमेट जरूर बनाएगा, तो वह हैप्लॉयड जनरेशन होगी, और जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो फर्टिलाइजेशन जरूर करेगा और जायगोट बनाएगा, वो डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों आने जरूर है, मैंडेटरी है, उसके बिना काम बनेगा ही नहीं। तो इसलिए जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज में जरूर जाते हैं, जाना ही पड़ता है। अब होता क्या है कि कौन किस फेज में ज्यादा रहता है, कुछ लोग हैप्लॉयड फेज में ज्यादा रहते हैं, डिप्लॉयड में कम रहते हैं, कुछ लोग डिप्लॉयड में ज्यादा रहते हैं, हैप्लॉयड में कम रहते हैं, और कुछ लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ब्रायोफाइटा की मैं बात कर रहा हूं, टेरिडोफाइटा की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों कैटेगरी के ऐसे प्लांट हैं जिनमें हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों फेज लगभग बराबर होती है। तो ऐसी लाइफ साइकिल जिनमें ये दोनों फेज लगभग बराबर होती है, ऐसी लाइफ साइकिल को एनसीईआरटी कहती है हैप्लोडिप्लॉयंटिक। अब एग्जाम में क्या पूछेगा बच्चों, एग्जाम में पूछेगा कौन से प्लांट हैं जिनमें हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो आप सोचोगे यही ऑप्शन दिए होंगे तो मैं बता दूंगा, और ये ऑप्शन दिए नहीं होंगे, उसमें दे देगा ब्रायोफाइटा की जगह क्या बोल देगा, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, और टेरिडोफाइटा की जगह बोल देगा वैस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा ऑप्शन ना भी दिया हो तब भी आपको उसके करेक्टर पता होने चाहिए। ब्रायोफाइटा की जगह एम्फीबियन वर्ड दिया हो तब भी वो सही है, टेरिडोफाइटा की जगह फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट दिया हो वो भी सही है। यही बात है समझने वाली, यहां याद करने से बात नहीं बनेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं हर चैप्टर में कुछ चीजें समझने वाली होती है, कुछ चीजें याद करने वाली होती है। अब आगे देखिए दूसरा हिस्सा है बच्चों, क्या दूसरा हिस्सा है ये वाला, इस वाली लाइफ साइकिल को फोकस करिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, आपको देखने की जरूरत भी नहीं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, शॉर्ट में यहां बताता हूं। आप देखिए यहां पर ऐसे करके एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है। बच्चों ये जो छोटा हिस्सा है ये वाला, ये हिस्सा गैमेटोफिटिक है और जो बड़ा हिस्सा है वो स्पोरोफिटिक है। तो जो बड़ा हिस्सा है उसी के नाम पे नाम होता है, इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। और डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल किसमें पाई जाती है, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, प्लस कुछ एल्गी में, कुछ एल्गी
सिलेक्टेड एल्गी के नाम मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं एल्गी में ये डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल भी होती है। फ्यूकस वगैरह का एग्जांपल आप याद कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा आता है हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। आप यहां देख सकते हैं हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल में ये देखिए ऐसे कैटेगरी बनी हुई है, और इस कैटेगरी में ये जो छोटा हिस्सा है बच्चों ये डिप्लॉयड है, और जो बड़ा हिस्सा है वो हैप्लॉयड है। तो सिंपली हमने क्या बताया, ये आपकी कैसी लाइफ साइकिल हो गई, ये लाइफ साइकिल हो गई हैप्लॉयंटिक। और किस में पाई जाती है, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फंजाई वगैरह में, ये आपको ध्यान। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर है, कुछ एल्गी ऐसे हैं जो एल्गी हैं लेकिन उनमें लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉयंटिक होती है। बच्चों ये हो गया आपको समझने वाला हिस्सा। अब हम आते हैं अपने मेमोराइज करने वाले हिस्से में, याद करने वाले हिस्से में। तो आप लोग पेन पेपर ले लें, थोड़ा पानी वानी पी लें, फटाफट 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 याद करना है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, तो बच्चों फटाफट हम शुरुआत करते हैं याद करने वाले पॉइंट्स की। तो चलिए हम सीधे आपको ले चलते हैं याद करने वाले पॉइंट पर। सबसे पहले आपको प्लांट किंगडम के ये 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट मेरे साथ जल्दी से मेमोराइज करने, याद करने, और आपको आधे से ज्यादा याद है, ये मुझे कॉन्फिडेंस है, आपको आधे से ज्यादा याद है, मुझे कॉन्फिडेंस है। तो पहला पॉइंट जो आपको याद है, विटेकर ने 1969 में किसको क्लासिफाई किया, प्लांट को कि एनिमल को कि ऑर्गेनिज्म को, प्लांट का क्लासिफाई किया कि एनिमल को कि ऑर्गेनिज्म को। बच्चों विटेकर ने प्लांट को क्लासिफाई नहीं किया, विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया पांच किंगडम में। ये अच्छा भला क्वेश्चन गलत करके चले आओगे, बड़ा सरल सा क्वेश्चन पूछेगा कि विटेकर ने प्लांट को क्लासिफाई किया कि ऑर्गेनिज्म को, आप सोचोगे प्लांट को किया होगा और गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, तीन सिस्टम यहां मैंने बताया आपको। पहला सिस्टम क्या है, आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल, तीसरा फाइलोजेनेटिक। ये एनसीईआरटी का है, ध्यान समझना। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऐसा क्लासिफिकेशन है बच्चों जिसमें हम केवल दिखाई मतलब जो दिखाई देती है, जो दिखावा करने वाली चीजें होती है। आर्टिफिशियल माने क्या होता है, आर्टिफिशियल माने दिखावा करना, एक्सपोज करना। तो आर्टिफिशियल सिस्टम किस पर बेस्ड होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम दिखावा जो मार्फोलॉजिकल करेक्टर पर बेस्ड होता है। और मार्फोलॉजी में क्या क्या आता है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सब आते हैं मार्फोलॉजी पर। तो मार्फोलॉजी पर जो क्लासिफिकेशन आधारित होता है उस वर्गीकरण को, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बोलते हैं आर्टिफिशियल। और इसमें जो मेन वैज्ञानिक है उनका नाम है लीनियस। लीनियस ने बड़ा काम किया, और लीनियस का तो सारा क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था, स्टामेन पर बेस्ड था। और स्टामेन क्या होता है, मार्फोलॉजी में आता है, फ्लावर में आता है। तो सिंपल हो गया है ना। लेकिन ये बताओ कि क्या सारी चीजें दिखावे पर होनी चाहिए आधारित, जो चीजें दिखावे पे होती, ज्यादा शो ऑफ करता है मेरा ये वो लटके झटके, तो उससे क्या होता है, वो हकीकत नहीं होती। हकीकत तो भीतर से होती है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ज्यादा लटके झटके नहीं दिखाते, वो बड़े भीतर से बड़े शांत होते हैं। तो जो आर्टिफिशियल है वो दिखावा है, बाहर के करेक्टर पर बेस्ड है। लेकिन जो क्लासिफिकेशन बाहर के साथ साथ भीतरी करेक्टर पर भी बेस्ड हो, मार्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी पर भी बेस्ड हो, सेलुलर अल्ट्रास्ट्रक्चर पर भी बेस्ड हो, एम्ब्रियोलॉजी पर भी बेस्ड हो, फाइटोकेमिस्ट्री पर भी बेस्ड हो, ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या आर्टिफिशियल बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे। ऐसे क्लासिफिकेशन को आप बोलोगे नेचुरल, क्योंकि वो दिखावे वाले करेक्टर के साथ साथ वो प्राकृतिक करेक्टर्स पर जा रहा है। प्राकृतिक में सब चीजें आती हैं, बाहरी भी आती है, भीतरी भी आती है, जेनेटिकल भी आती है, एम्ब्रियोलॉजिकल भी आती है। तो उन सब चीजों पर जो बेस्ड होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके जो मेन वैज्ञानिक हैं वो हैं बेंथम एंड हुकर, बहुत ही फेमस है, इनको याद रखिएगा। और जो तीसरा आता है बच्चों उसका नाम है फाइलोजेनेटिक। क्लासिफिकेशन तो और भी अच्छे आते चले गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक आप उनका रिलेशन ना बता पाओ कि पहले टेलीफोन बना कि पहले पेजर बना कि पहले मोबाइल बना, तो भैया पहले टेलीफोन था चोंगे वाला, हेलो क्रिन 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 क्रिन, फिर वो पेजर बना, फिर वो मोबाइल आया, फिर वो स्मार्टफोन आए।
तो भैया क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यह भी बताना इंपॉर्टेंट है किसका विकास किससे हुआ। इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशन को बताना कि किसका विकास पहले हुआ, किसका विकास बाद में हुआ, कौन किसका पूर्वज है, कौन किसका अग्रज है। यानी कि कुल मिला के जो तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ये इवोल्यूशनरी और जेनेटिकल रिलेशनशिप पर आधारित होता है। और इसके मेन साइंटिस्ट हैं एंगलर, प्रांटल और हॉचिंसन। ये एनसीईआरटी का जो पॉइंट था, याद करने वाला पॉइंट, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको याद हो गया होगा 100%। और इसकी परीक्षा, इसका टेस्ट हम कल लेंगे 10:30 बजे मेंटीमीटर पे। जिसने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है कर लेना, लिंक वगैरह मिल जाएंगे आपको एप्लीकेशन पे, और उसके बिना फिर आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि कल जैसा कि बच्चे ने परफॉर्म किया था, शानदार परफॉर्मेंस थी, डॉक्टर प्रभा को छोड़ करके पीछे वो आगे निकल गया था और उसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी कल के मेंटीमीटर पे टाइम से आ जाएं और उसको जरूर अटेम्प्ट करें। और प्लांट किंगडम जो पढ़ रहे हो, जो याद कर रहे हो, इसी का कल हम पूरे के पूरे सारे के सारे चैप्टर का हम क्या करेंगे, आपका टेस्टिंग करेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। और आगे अब आता है वेरियस मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल एडवांसमेंट। आपको पता है न्यूमेरिकल, साइटोलॉजिकल और कीमो टैक्सोनॉमी, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, आप देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। ये देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि हम प्लांट के हर करेक्टर को इंक्लूड करके क्लासिफिकेशन करें। और जब आप हर करेक्टर को इंक्लूड करोगे तो बहुत भारी भरकम हो जाएगा। तो जब भारी भरकम हो जाएगा तो हम उसके OTU बना देंगे। OTU का मतलब होता है ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिकल यूनिट बना देंगे, और उस डेटा को सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। सॉफ्टवेयर में डाल करके उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे, और अब जिसकी न्यूमेरिकल ज्यादा होगी वो एडवांस होगा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी वो प्रिमिटिव होगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी करते हैं, लेकिन ये बहुत ही लेंथी है, लेथार्जिक है, कॉम्प्लिकेटेड है, सबके समझ में नहीं आती, इसलिए पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया है, ठीक है। इसके बाद अगला है साइटो टैक्सोनॉमी। बच्चों ये टैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है? ये क्रोमोजोम पर बेस्ड है, लेकिन क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है और क्रोमोजोम के नंबर पर बेस्ड है। तो जब जो टैक्सोनॉमी क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर और नंबर पर बेस्ड है उसको हम कहते हैं साइटो टैक्सोनॉमी, क्योंकि साइटो का मतलब होता है सेल, और सेल के अंदर मेन चीज होती है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मेन चीज होती है क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोजोम का नंबर, इसके आधार पर जिसके ज्यादा क्रोमोजोम है, जिसके कम क्रोमोजोम है, इसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करें बच्चों, तो उसको बोलते हैं साइटो टैक्सोनॉमी। और एक अंत में और है, उसके और एक कीमो टैक्सोनॉमी। बच्चों ये टैक्सोनॉमी बहुत एक्यूरेट टैक्सोनॉमी होती है, जब हम ये बताते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के पास ये केमिकल है, दूसरे के पास ये केमिकल है, इस केमिकल से इस केमिकल का विकास हो, तो केमिकल के बेसिस पर एक्सप्लेन करना कि कौन एडवांस है, कौन प्रिमिटिव है, उसको बोलते हैं हम लोग कीमो टैक्सोनॉमी। तो कीमो टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद करना है कीमो टैक्सोनॉमी के बारे में। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बताते हैं बच्चों, प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, क्रिप्टो और फेनरो। अभी मैंने वर्ड इस्तेमाल किए थे, क्रिप्टो होते हैं जिनके पास फ्लावर भी नहीं होता, सीड भी नहीं होता, और फेनरो के पास फ्लावर भी होता है और सीड भी होता है। इसके बाद क्रिप्टोगैम में थैलोफाइटा अलग होते हैं जिनके पास बॉडी थैलोइड होती है, और दूसरे होते हैं ब्रायोफाइटा जो एम्फीबियन होते हैं, टेरिडोफाइटा जो फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम होते हैं, और फेनरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं। इनके पास सीड होता है लेकिन फ्रूट नहीं होता, इनके पास सीड भी होता है, फ्रूट भी होता है, फ्लावर भी होता है। ये पूरा एक आपको अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा, जिसको इसकी प्रॉब्लम है कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आपको टेलीग्राम में इसका PDF भेज दिया जाएगा, आप आराम से वहां पढ़ते रहिए। बच्चों आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे एल्गी की। मैंने आपको बताया था अभी एल्गी के बारे में, और एल्गी के बारे में आपने याद भी बहुत सारी चीजें की थी, मैं फटाफट बताता हूं कि द प्लांट बॉडी इज थैलोइड, पहला ही पॉइंट लिखा, मैं इसको बड़ा कर दूंगा ताकि आपको दिखाई पड़े और आपसे कोई गलती ना हो। अब आपको दिख रहा होगा कि जो इनकी प्लांट बॉडी है थैलोइड होती है, और थैलोइड प्लांट बॉडी फिलामेंटस भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, मैसिव भी हो सकती है। प्लांट बॉडी में बहुत 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 वेरिएशन पाया जाता है एल्गी में, एल्गी का शरीर की बनावट बहुत बहुत वेरी कर जाती है। सम ऑफ द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, कुछ अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूं, आप लोग इसको याद कर लें, मेमोराइज कर लें, देखिए ध्यान से।
सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इसमें कि इनकी प्लांट बॉडी के आधार पर इनमें से स्पाइरोगायरा को वाटर सिल्क कहा जाता है, क्योंकि वो चिपचिपा और फिसलन मतलब फिसलन स्लिपरी होता है, चिपचिपा नहीं स्लिपरी होता है, स्लिप कर जाते हैं पैर। एक होता है यूलोथ्रिक्स, वो फिलामेंटस होता है, धागे की नुमा होता है। एक होता है वॉल्वॉक्स, वो कॉलोनियल होता है। और एक होता है एक सेल का बना हुआ, उसको बोलते हैं क्लेमेडोमोनास। एक होता है एसिटाबुलेरिया, वो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गा है। और कुछ होते हैं अम्ब्रेला की तरह, जिसका नाम है एक्टोकार्पस। और कुछ होते हैं फिलामेंटस ब्रांच, जिनको हम कहते हैं ये दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं। ये हो गए अलग अलग प्रकार के एल्गी। कुछ होते हैं केल्प, केल्प वो होते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, लेकिन ये ग्रीन नहीं होते, ब्राउन एल्गी होते हैं। और जिनमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है और वो कई मीटर तक लंबे होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कई मीटर तक लंबे, लगभग 100 मीटर तक लंबे होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं भैया ये जायंट एल्गी हैं, केल्प हैं। और उनका बारे में याद करना बहुत जरूरी है। ब्राउन एल्गी के बारे में, इनके बॉडी में होल्ड फास्ट होता है, जिसकी मदद से ये कहीं ना कहीं चिपके रहते हैं। और एक स्टॉक होता है जिसको स्टाइप कहते हैं, और एक फ्रॉन्ड होता है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के एल्गी में जो याद करने की चीज है वो है ग्रीन एल्गी का शरीर कैसा होता है, ब्राउन एल्गी शरीर कैसा होता है, और रेड एल्गी शरीर कैसा होता है। रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी के शरीर के बारे में आपको याद करना है, कहाँ होल्ड फास्ट है, कहाँ पे केल्प क्या होता है, कौन सा स्पाइरल है, कौन सा कॉलोनियल है, कौन सा, ये सब आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे समझ लीजिए आप। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट एल्गी के बारे में कि ज्यादातर एल्गी कैसे होते हैं। ज्यादातर एल्गी होते हैं एक्वेटिक, जैसा कि आपको पता भी है कि पानी में पाए जाने वाले हैं ये एल्गी, तो एक्वेटिक होते हैं। और ये समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और ताजे जल में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर बोथ। आप देखिए, जब हम दोनों की बात करते हैं तो इनके पिगमेंट अलग अलग होंगे और इनके क्लोरोप्लास्ट का शेप भी अलग अलग होगा। जरा देखिए इनके क्लोरोप्लास्ट का शेप मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कभी इनके क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है गर्डिल की तरह, ऐसे गर्डिल होता है, ऐसे ये गर्डिल हो गया। कभी कभी रिबन शेप होता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा, ऐसे रिबन शेप होता है, ऐसे ये रिबन शेप हो गया। कभी कभी कप शेप होता है वॉल्वॉक्स में, ऐसे कप शेप हो गया, ऐसे कप शेप, जैसे गर्डिल होता है वैसे कप होता है, कप थोड़ा सा ज्यादा सर्कुलर होता है, ज्यादा स्फेरिकल होता है, उसको बोलते हैं कप शेप। ठीक है, अगला, रेटिकुलेट इन उडोगोनियम, डिस्क शेप इन कौलेरपा, स्टार शेप इन जिग्निमा। ये सब आपको ध्यान से क्या करना है, आपको ध्यान से मेमोराइज करना है, याद करना है और भूलना नहीं है बिल्कुल। आप देखिए आगे, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव के द्वारा भी, एसेक्सुअल के द्वारा भी और सेक्सुअल के द्वारा भी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एल्गी में लाइफ साइकिल होती है हैप्लोएंटिक, कुछ एल्गी को छोड़कर। कुछ एल्गी को छोड़कर कैसी होती है लाइफ साइकिल, कुछ एल्गी को छोड़कर सभी की लाइफ साइकिल हैप्लोएंटिक होती है, लेकिन तब जब कंडीशन होगी सेक्सुअल। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें ना तो कोई हैप्लोएंटिक ना तो कोई डिप्लोएंटिक, कोई लाइफ साइकिल का ये कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इनके ऊपर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात मैंने बताई तो उसमें स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, खासतौर पर जू स्पोर जिसमें फ्लैजिला है, एप्लाइनो स्पोर और एकाइनेट जिनमें फ्लैजिला नहीं है। जिनके पास फ्लैजिला है वो मोटाइल है, जिनके पास फ्लैजिला नहीं है वो नॉन मोटाइल है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, जब दो फ्यूजन होता है गैमिट्स का तो क्या बन जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया किसके बारे में, ये हो गया आपका एल्गी के याद करने वाले पॉइंट। अब हम बात करेंगे सीधे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। जैसे आप एल्गी को जब देखते हैं कहीं पर तो एल्गी एक मैट की तरह नजर आता है, एक मैट की तरह नहीं। आप देखिए ये एल्गी हैं सब, ये सब एल्गी हैं, ये जो एल्गी ये सब एल्गी हैं। इनकी लाइफ साइकिल हैप्लोएंटिक होती है। फाइकोलॉजी एल्गी को पढ़ने की ब्रांच है। इसके तीन क्लास हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है ना, आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला पॉइंट, ये मैंने आपको चार्ट पहले बता रखा है, आपको चार्ट यहाँ पे याद करना है ध्यान से।
ओके, ये तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, है ना। अब थोड़ा सा बताएंगे आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी के बारे में। एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में समझना पड़ेगा कि एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चों एल्गी से न जाने कितनी ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमारे इंडस्ट्री में काम आती हैं, हमारे खाने पीने में काम आती हैं, और हमारे अलग अलग मतलब इकोनॉमिकल वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान दो तो जैसे कि क्लोरेला है, एस्कोफिलम है, पॉलीसाइफोनिया है, ये जितनी भी हैं इनसे एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे एल्जिनेट है, सोडियम लैमिनेट सल्फेट है, फ्यूकोडियन है, ये सब ब्लड एंटीकोगुलेंट की तरह यूज किए जाते हैं। ये जो तीनों चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, कौन कौन सी, एक तो मैंने बताई आपको एल्जिनेट जैसे कि सोडियम लैमिनेरियम सल्फेट और फ्यूकोडियन, ये यूज करते हैं ब्लड एंटीकोगुलेंट्स के रूप में। ब्लड एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है जब आपकी तबीयत खराब होती है और जब आपको ब्लड को क्लॉट कराना होता है तब ये एंटी ब्लड के क्लॉट को रोकना होता है, तो आपको एंटी ब्लड कोगुलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं और ये एल्गी से निकाले जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे एल्गी खाने की तरह खाए जाते हैं जैसे लेमिनेरिया, सरगासम, पोरफायरा, आल्वा, ये सब हम खाते हैं, ये खाने की चीजें हैं, है ना, बहुत बढ़िया। क्लोरेला एक ऐसा एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और इसे कहाँ यूज करते हैं, ये स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं खाने के सप्लीमेंट के रूप में, इसको SCP कहते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। और एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पर, ये देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो हाइड्रोकोलॉइड है, मैंने अभी बताया था आपको हाइड्रोकोलॉइड्स के बारे में, सल्फेटेड और नॉन सल्फेटेड, तो हाइड्रोकोलॉइड आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सर्टेन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, जैसे कि एल्गिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन एल्गी एंड कैरागिनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेड एल्गी, इसको आप जरूर जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद एक अगार अगार करके प्रोडक्ट है, अगार अगार, इसको हम ग्रिसलेरिया और जिलेडियम से निकालते हैं और यूज्ड इन लेबोरेटरीज, इसको लेबोरेटरी में यूज करते हैं एज ए ग्रोइंग मीडियम फॉर टिश्यू कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिपेयर वेरियस डेजर्ट्स, जेली एंड आइसक्रीम। आप लोग खाते होगे, आइसक्रीम खाते हो आप लोग, ठंड में तो नहीं खाते होगे, आइसक्रीम नहीं खाते ना, जेली, जेली भी छोटे बच्चे इतने बच्चे थोड़े इतने छोटे छोटे बच्चे खाते हैं जेली, जेली और डेजर्ट्स आइसक्रीम ये जो भी खाते हैं, इन सब को खाने वाली चीजों में क्या होगा कि ये अगर अगर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ मिलेगा अभिषेक, मिलेगा मिलेगा, ये देखिए ये आपको रेड एल्गी दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया रेड एल्गी। अब आगे चलिए, अब आ जाता है तुरंत बच्चों ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा की स्टोरी थोड़ी थोड़ी अलग तरह से इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से समझना, थोड़ी अलग तरीके से इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा स्पाइरुलिना भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, चलिए मिला नहीं आता। ब्रायोफाइटा में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो वैस्कुलर है कि नॉन वैस्कुलर है, वो नॉन वैस्कुलर है, इसका मतलब इनमें क्या नहीं पाया जाता, इनमें जाइलम फ्लोयम नहीं पाया जाता, ध्यान समझिएगा, ये नॉन वैस्कुलर है मतलब इनमें जाइलम फ्लोयम नहीं पाया जाता। और जाइलम फ्लोयम नहीं पाया जाता क्यों, क्योंकि जाइलम फ्लोयम की इनको जरूरत नहीं होती। अब इनको जाइलम फ्लोयम की जरूरत क्यों नहीं होती ब्रायोफाइटा को, क्योंकि ये पानी के आसपास रहते हैं, है ना। अब आगे देखिए, इनकी बॉडी का दूसरा पॉइंट, इनकी बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती, ना तो रूट होता है ना स्टेम होता है ना लीफ होता है, और ये ज्यादातर ठंडी जगहों में उगते हैं, छायादार जगहों में उगते हैं, पानी और डैम्प एरियाज में ग्रो करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इनकी तीन पार्ट या तीन डिवाइडेशन है, एक बोलते हैं हिपेटिकोप्सिडा, एक एंथोसिरोप्सिडा और एक ब्रायोप्सिडा, तीन कैटेगरी है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, लग रहा है आप लोगों को कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही है, ब्रायोफाइटा आपको दिख नहीं रहा, बताओ ये कौन सा ब्रायोफाइटा है, बताओ ये कौन सा ब्रायोफाइटा है, ये वाला ऊपर वाला, नीचे छोड़ दो ऊपर वाला, जरा देखें आप लोगों को कितना, जल्दी बताओ फटाफट,
जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, ये ऊपर वाला टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा कौन सा है, क्या नाम है इसका, जल्दी से बताओ जल्दी जल्दी। विकास पटेल, स्वेच्छा महाजन ने कहा मार्केंसिया। वाओ, और लोग नहीं बता रहे हैं, जल्दी से बताएं, क्विक आई वांट आंसर, ये कौन सा ब्रायोफाइटा है। आपको ऑप्शन देता हूं, रिस्किया, मार्केंसिया, पेलिया या एंथोसिरोस। जल्दी जवाब दें जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मोहम्मद नजीम राजपूत, मनीष शर्मा, संगीता शर्मा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं बच्चों। ये ब्रायोफाइटा है, ये ब्रायोफाइटा का प्लांट है और ये इसकी मेन प्लांट बॉडी है। अब आगे चलते हैं, आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा प्लांट है, इसका नाम बता सकते हो, दोनों का नाम बता सकते हो, जल्दी से जल्दी बताओ। अरे ब्रायोफाइटा का नाम बताओ, विराट यादव, कौन सा ब्रायोफाइटा है ये, मोसेस। ओके ओके गुड, फ्यूनेरिया नो, मार्केंजिया नो, इट इज ए पर्टिकुलर, ये किसी पर्टिकुलर प्लांट का स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसको मॉस कहना बहुत अच्छा है। इट इज ए मॉस, ये मॉस है, पीछे वाला लीवर वर्ड था, ये वाला मॉस है। देखिए इसके बारे में, इसके बारे में समझिएगा जरा सा, इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन में भी रहते हैं और पानी भी चाहिए इनको। पानी क्यों चाहिए इनको, क्योंकि इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी होती है। इनकी बॉडी कैसी होती, थैलस की तरह, और या तो जमीन में लेटी होती है तो बोलते हैं प्रोस्ट्रेट, और या तो जमीन के परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं इरेक्ट। तो या तो इनकी बॉडी इरेक्ट होती है या प्रोस्ट्रेट, दोनों हो सकती है, और बॉडी हैप्लॉयड सेल से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको गैमेटोफिटिक बॉडी कहते हैं, और आगे इसी में गैमेट बनते हैं। इनमें ट्रू रूट अटैच टू द सबस्ट्रेटम, राइट जॉइंट्स पाए जाते हैं लेकिन रूट्स नहीं पाए जाते। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन स्टेम नहीं होता, लीफ लाइक स्ट्रक्चर लेकिन लीफ नहीं होता, मतलब ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं पाया जाता। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत कॉमन मेथड है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बहुत कॉमन मेथड है। दूसरा बडिंग, ट्यूबर, और सबसे यूनिक फीचर होता है जेमा कप। सबसे यूनिक फीचर है जेमा कप, मतलब ब्रायोफाइटा में जेमा कप के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये यूनिक फीचर है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे और वो आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, लेकिन वो फ्यूज तब होंगे जब दोनों मिल पाएंगे, और वो मिलेंगे तब जब वो बनेंगे, और वो बनेंगे तब जब होंगे सेक्स ऑर्गन। तो पहले तो बॉडी पर सेक्स ऑर्गन बनते हैं, वो जैकेटेड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके चारों ओर जैकेट होती है, जैकेट सेल्स होती हैं। फिर उसके अंदर गैमेट बनते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, कभी कभी एक ही बॉडी पे, कभी कभी अलग बॉडी पर। अगर एक ही बॉडी पे बनेंगे तो बोलेंगे कंडीशन कैसी है, मोनोसियस, अगर अलग अलग बॉडी में बनेंगे तो बोलेंगे डायोसियस, और जब दोनों गैमेट बन जाएंगे तो एक को बोलते हैं एंथ्रोजॉइट्स, एक को बोलते हैं एग। एग बनता है आर्चिगोनिया सेक्स ऑर्गन में, और एंथेरोजॉइट्स बनता है किसमें, वो बनता है एंथ्रीडियम में। बात समझ में आ गई क्या, ध्यान रख पाएंगे आप, आगे देखते हैं बच्चों। और इसके बाद आता है सिंपल इनका लाइफ साइकिल, जो कि मैंने आपको बताया पहले ही लाइफ साइकिल के बारे में। इनकी लाइफ साइकिल होती हैप्लोडिप्लॉयटिक, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों फेज लगभग क्या रहती हैं, दोनों फेज लगभग बराबर रहती हैं। तो जिन जब दोनों फेज लगभग रहती हैं बराबर, तो हम उसे कहते हैं हैप्लोडिप्लॉयटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो अच्छे से याद रखिएगा कि हैप्लोडिप्लॉयटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल क्या होती है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि हैप्लोडिप्लॉयटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल आपको याद रखना है। आगे देखिए, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, हिपेटिक ऑप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इनको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लीवर वर्ड, मॉसेस और हॉर्न वर्ड्स। तो खास तौर पर आपको लीवर वर्ड और मॉसेस के बारे में समझना है।
इनका जो गैमेटोफाइट होता है लीवर वर्ड का, वो लीवर वर्ड कहलाता है कि वो थायलॉइड होता है। और फोलियोज एंड डॉर्सी वेंट्रल एंड डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करता है। उसकी लीव्स बिना मिडरिप की होती, भले मतलब लीव्स होती, लेकिन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो बिना मिडरिप वाला होता है। और राइजॉइड्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर और अनब्रांच। जबकि मॉसिस में जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, अच्छे से समझ लेना, मैं यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बच्चों याद रखना कि मॉसिस में गैमेटोफाइट की फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, दो स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा, सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज। मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोनिमा वाला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, आप बताते हैं इनके स्पोरोफाइट के बारे में। तो स्पोरोफाइट के पहले आपको थोड़ा क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझा दें। क्लोरोप्लास्ट, इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट लेकिन पैरेनोइड्स नहीं होते, लेकिन मॉसिस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और पैरेनोइड मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। इसके बाद बात करेंगे स्पोरोफाइट में। बच्चों जो लीवर वर्ड हैं उनका स्पोरोफाइट फूड सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड है। कॉल्यूमेला एब्सेंट होता है, इलेटर्स नहीं पाए जा, इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ये वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं क्या, मॉसिस, मॉसिस में फूड सीटा कैप्सूल प्रेजेंट है और कैप्सूल में एक स्टराइल कॉल्यूमेला पाया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों की स्पोरोफाइट में। इसके बाद बच्चों बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पर देखो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा, और जेमा वगैरह होते हैं। इसमें जेमा नहीं होते, जेमा के बजाय यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोनिमा से हो सकता है। तो प्रोटोनिमा का नाम आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर डेवलप ऑन द सेम बॉडी और डिफरेंट बॉडी। तो मोनोसियस और डायोसियस दो प्रकार की कंडीशन है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड एट द एपिकल रीजन, यानी कि एक ही बॉडी में होते हैं, यानी कि मोनोसियस। तो मॉसिस अक्सर मोनोसियस होते हैं, लेकिन लीवर वर्ड मोनोसियस और डायोसियस दोनों तरह के हो सकते हैं। बच्चों एग्जाम्पल याद कर लेना, रिस्किया मार्केंसिया स्फेरोकार्पस, फ्यूनेरिया पोल्ट्रेकम एंड स्फेग्नम। एनसीईआरटी ने स्फेग्नम का डायग्राम भी बनाया है, तो आप इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। बच्चों अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। इनका ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कुछ खास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो एनसीईआरटी ने बताए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला है कि ये ग्रेट इकोलॉजिकल, ना कि इकोनॉमिक बल्कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये इकोनॉमिक ज्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद कर लेना कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है कि अगला पॉइंट है कि मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑफ सॉइल, होल्ड टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि ये सॉइल इरोजन को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, ठीक है, रेन वाटर में। और एक बात को ध्यान रखना है, ये सक्सेशन को भी ध्यान में रख करके इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है, ठीक है। ये मेडिसिनल पर्पज में भी काम आते हैं, जैसे कि स्फेग्नम इज यूज्ड इन द सर्जिकल ड्रेसिंग मार्केंसिया स्फेग्नम एंड पॉलीट्राइकम स्पीसीज हैज आल्सो मेडिसिनल बेनिफिट टू क्योर लीवर किडनी एंड स्किन डिजीजेस। और कुछ ब्रायोफाइटा से हम लोग एंटीबायोटिक भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ खाए जाते हैं। और पीट के बारे में बहुत अच्छे से याद कर लेना, पीट के बारे में एंसर ने बहुत मेंशन किया है क्लियरली। तो पीट क्या होता है, पीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ मॉस स्फेग्नम इज वाइडली यूज एज अ फ्यूल, इसको अच्छे से याद कर लेना। और इसका इस्तेमाल हम लोग पैकेजिंग में भी करते हैं, क्योंकि इनकी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होने से इसमें क्या होता है, इसको पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, हाँ बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं बच्चों टेरिडोफाइटा की। ये देखिए, ये एक ब्रायोफाइटा, आप देख रहे हैं। कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं जल्दी से, मतलब 20 सेकंड के अंदर, कितने बच्चे बता सकते हैं 20 सेकंड के अंदर कि ये जो आपको फर्न दिखाई दे रहा है, इस फर्न में ये जो गोल गोल दिख रहे हैं, एक दो तीन, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है? मैं आपको देता हूं 20 सेकंड, जल्दी बताइए।
20 सेकेंड बताइए क्या है ये। नो रिप्लाई सर। सीनेट लीफ, सीटा, कैप्सूल, 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 आर्चिगोनिया, पॉलन ग्रेन। बहुत बढ़िया। ये कौन बच्चा है? रवि प्रकाश गुप्ता। सरसिनेट लीफ, बहुत बढ़िया। सरसिनेट वेनेशन कहते हैं इसको। सिस्पिटोज हैबिट, बहुत बढ़िया। सिलेबस में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप देख रहे हो तो इसलिए मैं पूछ ले रहा हूं। इसको बेटा सरसिनेट टैक्सिस कहा जाता है। जैसे हम लोग लट्टू घुमाते हैं, लट्टू ऐसे लट्टू में लपेट देते हैं ऐसे 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 ऐसे, और फिर उसको यूं करके यूं फेंकते हैं, तो जो लपेटने का तरीका होता है ऐसे ही पत्ती क्या होती है, पत्ती ऐसे करके ऐसे 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 घूमी होती है, इसी को सरसिनेट टैक्सिस कहा जाता है। बहुत बढ़िया, समझ गए आप लोग। चलिए अब बात करेंगे टेरिडोफाइटा की। ये रहा टेरिडोफाइटा आपके सामने। टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा को देख करके कई बार आपको भ्रम हो जाएगा कि कौन टेरिडोफाइटा है कौन ब्रायोफाइटा है। इसमें ध्यान रखना बेटा, टेरिडोफाइटा में ये टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट है, ठीक है, और इस टेरिडोफाइटा के मेन प्लांट में ये भी पानी के आसपास रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी अगर नहीं है तो उसको टॉलरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज, ये भी डैम्प सॉइल में पाए जाते हैं, कूल होते हैं, सैडी एरियाज में पाए जाते हैं, सैंडी सॉइल में होते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोयम के बारे में ध्यान रखना। जाइलम होता है लेकिन अधूरा, फ्लोयम होता है लेकिन अधूरा। जाइलम में क्या अधूरापन होता है जरा बताओ, जरा बताओ जाइलम में क्या अधूरापन होता है, और जरा बताओ फ्लोयम में क्या अधूरापन होता है। जाइलम एंड फ्लोयम आर प्रेजेंट बट नॉट कंप्लीट। जाइलम डू नॉट हैव वेसल्स एंड फ्लोयम डू नॉट हैव कंपेनियन सेल, ठीक है। आगे देखिए, इसकी जो पत्तियां होती यंग लीफ सो सरसिनेट टैक्स, जैसे के ब्रायोफाइटा में देखा था वैसे ही टेरिडोफाइटा में भी आपको सरसिनेट टैक्सिस देखने को मिलती है। द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन स्पोरेंजिया विच इज प्रेजेंट इन द स्पोरोफिल फर्टाइल लीव्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये जो यंग लीव्स होती हैं, जैसा कि मैं दिखाया था ना पीछे ऐसे, ये ऐसे ऐसे पीछे आपने डायग्राम देखा था ना, वो सरसिनेट टैक्सिस का एग्जाम्पल था। इन सिलेजिनेला इक्विसिटम स्पोरोफिल फॉर्म ए डिस्टिंक्ट कोन नोन एज स्ट्रोबिलस। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस एंड हैप्लॉयड इन नेचर एंड जर्मिनेट गिव राइज अ न्यू प्रोथेलस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग रिप्लाई तो कर रहे हैं, शानदार, जबरदस्त। चलिए आगे की बात करते हैं। द गैमिटोफाइट इज हार्ड शेप। ये सवाल, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, क्योंकि पूछेगा कि टेरिडोफाइटा का प्रोथेलस कैसा होता है। टेरिडोफाइटा का प्रोथेलस होता है हार्ड शेप। टेरिडोफाइटा का प्रोथेलस होता है हार्ड शेप, और दूसरी बात कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर, ध्यान रखिएगा, मल्टी सेलुलर। दूसरी बात, गैमिटोफाइट में एंथर और आर्चिगोनिया, मतलब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया पाए जाते हैं। ये भी बात आपको किसके लिए याद रखनी है, गैमिटोफाइट के लिए याद रखनी है। तो बच्चों जरा मुझे बताओ कि अगर थैलस में, अगर इसको जरा एक बार मैं पीछे ले चलता हूं, यहां पे जरा समझाता हूं आपको। देखिए जरा, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, यहां से स्पोर जमीन में गिरता है, यहां से स्पोर जमीन में गिरता है। ये देखो, ये स्पोर है, ये स्पोर है, ये स्पोर है, ये स्पोर जमीन से गिरा, और जब स्पोर जमीन में गिरा तो जमीन में बन गया प्रोथेलस। तो इस बॉडी पर सेक्स ऑर्गन नहीं बनता, टेरिडोफाइटा में इस बॉडी पर सेक्स ऑर्गन नहीं बनते। ये मेन प्लांट बॉडी जरूर है, इस पे रूट है, स्टेम है, लीफ है, इसमें स्पोर्स बनेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इस पे सेक्स ऑर्गन नहीं बनेंगे। सवाल पूछेगा आपसे कि क्या सेक्स ऑर्गन का विकास या सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट मेन प्लांट बॉडी में होता है? नहीं होता मेन प्लांट बॉडी में सेक्स ऑर्गन का विकास। किसमें? टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन का विकास
मेन प्लांट बॉडी में नहीं होता, कहाँ होता है? प्रोथेलस में होता है। और प्रोथेलस कहाँ बनता है? जमीन में। कैसे बनता है? जब स्पोर गिरते हैं जमीन में तो स्पोर के ग्रो करने से क्या बनता है? प्रोथेलस बनता है। तो इस प्रोथेलस के ऊपर सेक्स ऑर्गन बनेंगे, सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमिट बनेंगे, वो गैमिट एक दूसरे से पास पहुंचेंगे, फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा तो पूरा थैलस धीमे धीमे खत्म हो जाएगा और उस जाइगोट के डेवलपमेंट से फिर से एक नया ये बन जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से बात को समझाने वाली थी, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं टेरिडोफाइटा में दो कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं। टेरिडोफाइटा में दो कैटेगरी के प्लांट होते हैं, एक वो प्लांट जिनको हम कहते हैं हॉर्स टेल और दूसरे वो प्लांट जिनको कहते हैं हम लोग सिंपली, जिनको हम कहते हैं फर्न। तो टेरिडोफाइटा में बच्चों हॉर्स टेल को भी रखा गया और फर्न को भी रखा गया है। चार क्लासेस मैंने बताई थी शुरुआत में, आपको याद करा रहा था, ठीक है। तो इसके जो मेन एग्जाम्पल है वो है साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम। ये आप याद कर लीजिए अच्छे से। और इनको चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है, साइलोटम, लाइकोपोडियम, स्पिनोपसिडा और टेरोप्सिडा। अब जरा मुझे बताओ, ये आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, ये आपको मैं दूसरा डायग्राम दिखा रहा हूं, इसमें से कौन से डायग्राम में पत्तियां छोटी हैं, कौन से डायग्राम में पत्तियां बड़ी हैं? लार्ज लीफ एंड स्मॉल लीव्स, इसमें पत्तियां बड़ी हैं कि छोटी हैं? देखो इसमें पत्ती, ये मेन स्टेम है और इस मेन स्टेम से ये एक पत्ती निकली हुई है और इसमें इसमें मेन स्टेम दिखाई नहीं दे रहा है, ये पूरी एक पत्ती है, दिस इज वन लीफ, ये पूरी एक पत्ती है, समझ रहे हो? तो यहां पर ये मेगाफिल्स हैं और यहां पर ये मैक्रोफिल्स हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक साथ इन चारों को कंपेयर कर देता हूं, चारों को एक साथ, ठीक है, चारों को एक साथ कंपेयर करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये रहा चारों। सबसे पहले ये सब प्लांट दुनिया में अब बचे नहीं है, ये वाले खत्म हो गए, ये फिनिश हो गए, ये दुनिया में है ही नहीं, ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये मोस्ट प्रिमिटिव है। ये और ये दुनिया में है तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। जैसे पहला, इनकी बॉडी जो होती है वेल डिफरेंशिएटेड है और इनको बच्चों हम लोग क्लब मॉस कहते हैं या इनको हम लोग स्पाइक मॉस कहते हैं। एनसीईआरटी का डेटा है, अच्छे से समझ लो। स्पिनोपसिडा कॉमनली नोन एज हॉर्सटेल, इनको हॉर्सटेल कहते हैं, और टेरोप्सिडा को हम लोग नॉर्मली फर्न कहते हैं, तो फर्न का नाम याद करो, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, अब अगर राइजॉइड्स की बात करें इन तीनों की, तो इनके राइजॉइड्स में आप ध्यान देना कि ये तो छोड़ दो, राइजॉइड्स इनमें होता है, लेकिन यहां पर आप ध्यान दो जो पहला वाला जो लाइकोपोडियम वाली क्लास है उसमें राइजोफोर्स डेवलप होते हैं, एडवेंटिशियस रूट डेवलप एट द टिप ऑफ द राइजोफोर एंड राइजोफोर फॉर्म स्टेम विच इज इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन रूट एंड स्टेम। यानी कि इनमें राइजोफोर का पाया जाना बहुत यूनिक बात है। राइजोफोर क्या होता है? राइजोफोर रूट और स्टेम के बीच का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। बच्चों यहां पर क्या होता है, रूट अराइजेस फ्रॉम द नोड ऑफ द अंडरग्राउंड क्रीपिंग राइजोम, मतलब स्टेम से रूट निकलती है पर्टिकुलर लोकेशन से जहां पे नोड होता है, और यहां पर कौन सी रूट पाई जाती है? यहां पर एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको बताऊंगा मैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। देखिए जरा, जो जो मेंबर हैं लाइकोपोडियम वाले उनका स्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन द एडेक्सियल सरफेस, यानी कि अपर सरफेस, और स्पोरोफिल कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। तो यहां पर ये आपको अपर वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ध्यान से, है ना। और अगर कंडीशन हेट्रोस्पोरस है, देखो दोनों होती है, कुछ प्लांट्स होमोस्पोरस है, कुछ हेट्रोस्पोरस है, तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो दो गैमिटोफाइट डिपेंड्स ऑन द फंगस ऑन फूड, यानी कि यहां पर आप देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर फंजाई एसोसिएशन बना लेते हैं किसके साथ,
टेरिडोफाइटा के साथ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहां पर होमोस्पोरस कंडीशन होती है, यहां पर होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों प्रकार की कंडीशन होती है। अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, तो इसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आता है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, टेरिडोफाइट आर यूज ऑन सॉइल बाइंडर, इनको सॉइल बाइंडर इस्तेमाल किया जाता है। दे बाइंड सॉइल इवन एट द स्लोप ऑफ द हिल। टेरिडोफाइटा आर गुड सोर्स ऑफ फूड, जैसे कि मार्सेलिया। स्पोरोकार्प आर गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, खाने में इस्तेमाल होता है। ऑर्नामेंटल की तरह इस्तेमाल होता है, मेडिसिनल वैल्यू में इस्तेमाल किए जाते हैं। एजोला को बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं पैडी फील्ड में, और इक्विसिटम का यूज करते हैं क्लीनिंग यूटेंसिल्स वगैरह में। तो ये सब आपको याद करना है, क्योंकि ये याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला जिम्नोस्पर्म्स का। ये जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म्स बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि ये सीड है लेकिन फ्रूट नहीं, तो नेकेड सीडेड प्लांट है। सिकोया इसी कैटेगरी का प्लांट है, बहुत बड़ा जायंट रेडवुड है, टॉलेस्ट है। जिंगो एक प्लांट है जो कि मेडन हेयर ट्री कहलाता है, ये लिविंग फॉसिल भी है। जामिया एक प्लांट है, वो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स कहलाता है। इसमें ज्यादातर टैप रूट पाई जाती हैं, है ना। पाइनस है, इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंगस इज नोन एज माइकोराइजा इज फाउंड एंड अदर लाइक साइकस। ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं, ये सारी की सारी चीजें जिम्नोस्पर्म से। इनका जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड होता है, और एक सिड्रस और पाइनस है जिनमें अनब्रांच्ड कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन साइकस में कंडीशन कैसी होती है, अनब्रांच्ड। इसको ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं कहां पे ब्रांच्ड है कहां पे अनब्रांच्ड है। तो सबसे पहले अगर ब्रांच्ड कंडीशन है तो सिड्रस में है और पाइनस में है, और अगर अनब्रांच कंडीशन है तो साइकस में, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एफिड्रा एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है, और नीटम एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं सिंपल होती, कभी कभी कंपाउंड होती हैं, फोलियोज लीफ पाई जाती हैं साइकस में, पिन्नेट एंड फॉल आफ्टर द फ्यू ईयर्स, कुछ समय बाद वो गिर जाती हैं, ठीक है। ये हो गया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कुछ और पॉइंट्स हैं पत्तियों के बारे में। एक और पॉइंट यहां पर देखिएगा जरा बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है कि इनका मेल और फीमेल स्पोर्स आर डिफरेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, इसीलिए इसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन। हेट्रोस्पोरस कंडीशन में मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई आर फाउंड ईदर ऑन द सेम ट्री एज इन पाइनस और इन डिफरेंट ट्री एज इन साइकस। तो माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं और मेगा स्पोर पाए जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलन ग्रेन, एंड माइक्रोस्पोर इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर को, क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर को, बोलते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। और मेगा स्पोर जो बनती है वो मेगा स्पोरेंजिया में बनती है, फीमेल स्ट्रोबिलाई के अंदर। उसके अंदर न्यूसिलस होता है और वो इनवॉल्व्ड होती है। वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसिलस जो डिफरेंशिएट करती है मेगा स्पोर मदर सेल में, उसमें चार हैप्लॉयड मेगा स्पोर बनते हैं, मियोटिक डिवीजन के बाद बनते हैं। उनमें से एक मेगा स्पोर डेवलप कर जाती है, और डेवलप करके क्या बनाती है, फीमेल गैमेटोफाइट, और उसी फीमेल गैमेटोफाइट का एक हिस्सा बनाता है एंडोस्पर्म, और एक हिस्सा बनाता है क्या, आर्चिकोनिया, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, और आगे ये रहा आपके सामने एक पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल। तो अब जरा ध्यान दें जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल के बारे में। आप अगर देखेंगे ये एक जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट है, ये जिम्नोस्पर्म का एक मेन प्लांट है, दिस वन, ये जिम्नोस्पर्म का एक मेन प्लांट है ये वाला। और इस जिम्नोस्पर्म के मेन प्लांट पे आप देखो तो मेल और फीमेल दोनों कोन डेवलप होते हैं, मेल कोन भी डेवलप होता है, फीमेल कोन भी डेवलप होता है। तो बॉडी कैसी हो गई, बॉडी हो गई मोनोसियस बॉडी हो गई, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों के अंदर, मेल और फीमेल कोन के अंदर क्या डेवलप होता है, फीमेल कोन के अंदर ओव्यूल डेवलप होता है, और मेल कोन के अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप होता है। अब अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर अंदर से देखोगे तो उसके अंदर आप देखिए यहां पर स्पोर्स बनते हैं चार मेगा स्पोर,
और उनमें से तीन डिजनरेट कर जाते हैं, एक बचता है फंक्शनल, और इसके अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन। इसके अंदर मेल कोन के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन, और फीमेल कोन के अंदर बनता है फीमेल गैमेटोफाइट। ये देखिए, ये बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट के पास आर्चिगोनिया है, और आर्चिगोनिया के पास एग है, और यहां से पहुंच गए पॉलन ग्रेन अंदर। तो पॉलन ग्रेन जब अंदर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर आर्चिगोनिया के अंदर घुस के वो एग के साथ फर्टिलाइज कर जाते हैं, और क्या बनाते हैं, जायगोट। अब इसी जायगोट के चारों तरफ का जो टिश्यू है वो है हैप्लॉयड, क्योंकि वो फीमेल गैमेटोफाइट है पहले से। इसको बोलते हैं हम लोग एंडोस्पर्म, ये आपका एंडोस्पर्म है। और अब जब जायगोट बन गया, तो जायगोट से आगे डेवलपमेंट करके बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के चारों ओर जो रिजर्व फूड है वो बनेगा एंडोस्पर्म, और ये पूरा बनेगा सीड। तो सीड में दो चीजें होती हैं, एक तो एम्ब्रियो, एक तो एंडोस्पर्म। जो एम्ब्रियो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना, और जो एंडोस्पर्म है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो पहले से बना चला आ रहा है, और फिर इस सीड से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? आगे देखते हैं बच्चों, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, जैसे जिम्नोस्पर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं दवा बनाने में एफेड्रीन, जो कि एफेड्रा से निकाली जाती है, और इसका कफ में और कोल्ड में और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी वगैरह वगैरह में, जो कैंसर में, लंग्स कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में भी हम इस कीमोथेरेपी में पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। साइकस इज यूज इन द एंटीडोज अगेंस्ट स्नेक वेनम एंड जूस ऑफ यंग लीव यूज टू क्योर द ब्लड वोमिटिंग। इस तरह के अलग अलग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होते हैं। मेनी फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिम्नोस्पर्म, जैसे कि ये रिच सोर्स स्टार्च का होता है, सागो पाम आपने सुना होगा जो कि साइकस से निकाला जाता है, पाइनस के सीड खाए जाते हैं, चिलगोजा जिसे कहते हैं वो भी खाया जाता है, नीटम के भी सीड खाए जाते हैं, बहुत न्यूट्रिटिव होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इज ए गुड सोर्स ऑफ टिम्बर, जिम्नोस्पर्म की लकड़ी अलग अलग कामों में इस्तेमाल होती है, जैसे कि बैट बनाने में और हॉकी स्टिक बनाने में अलग अलग पर्पज में काम आती है। ठीक है, ये सब इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। सिड्रस देवदार, ये सेंटेड वुड होती है, इसमें खुशबू आती है, बहुत सारी स्पीसीज से हम लोग तेल निकालते हैं खाने का। टैनिन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बार्क यूज इन द लेदर इंडस्ट्री, वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज गम, टर्पाइंस, ये सब इस्तेमाल होते हैं, वुड पल्प इज यूज्ड, ये सब चीज़ें काम आती हैं। ये अलग अलग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट जिसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, आप याद करके बैठना, क्योंकि कल जब मेंटीमीटर होगा तो आपको सही जवाब देने होंगे। इसके बाद बच्चों आता है एंजियोस्पर्म। जैसा कि मैंने बताया कि एंजियोस्पर्म में डाइकॉट और मोनोकॉट दो कैटेगरी है, तो आप देखो ये इधर क्या है, इधर वाला है मोनोकॉट, इधर वाला है डाइकॉट, और डायग्राम से ही पता चल रहा है डाइकॉट मोनोकॉट में कि इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6। यहां पर देखो 1 क्या है, 1 इज द फर्स्ट ट्रू लीव, यानी कि कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल। ठीक है, 4 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है, सिंगल कॉटिलेडन। आपको थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए, ये देखिए, ये लीजिए, अब देखिए 1 2 3 4, थोड़ा छोटा कर देता हूं अभी, ठीक है, देखिए 1 क्या है, फर्स्ट लीव, 4 क्या है, सिंगल कॉटिलेडन, नंबर 2 क्या है, सीड कोट, ये पूरा जो ऑरेंज कलर का ये सीड कोट है, 5 क्या है, एम्ब्रियोनिक रूट, 5 नंबर ये एम्ब्रियोनिक रूट रेडिकल इसको बोलेंगे हम लोग। इधर देखिए 3 नंबर में क्या है, एंडोस्पर्म, जो पीला पीला पूरा एंडोस्पर्म है। 1 नंबर क्या है, 1 नंबर फर्स्ट टू लीव्स है। 6 नंबर क्या है, 2 कॉटिलेडन्स हैं। तो ये डाइकॉट है और ये मोनोकॉट है, ये दोनों जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है आपको, सॉरी ये दोनों एंजियोस्पर्म के पॉइंट है, एंजियोस्पर्म को याद रखना है। ठीक है, और अब एंजियोस्पर्म में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एंजियोस्पर्म का जो याद रखना है, वो क्या है, नंबर 1, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट, और इनका जो सीड होता है वो फ्रूट से ढका रहता है, और दूसरा द साइज ऑफ एंजियोस्पर्म्स छोटे से छोटे वुल्फिया, सोचो 0.1 सेंटीमीटर से लगा के 100 मीटर तक लंबे होते हैं, यूकिलिप्टस, है ना। ये दो प्रकार के हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट, दोनों अलग अलग हैं, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब देखिए अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पर डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में, तो यहाँ पर मोनोकॉट
इस पे कितने कॉटलेट डाने, एक, यहाँ कितने हैं, दो। यहाँ पर रूट कैसी होती है, एडवेंटिशियस या फाइब्रस, और यहाँ पर टैप रूट। यहाँ पर छह से ज्यादा वैस्कुलर बंडल होते हैं, यहाँ पर दो से चार होते हैं। यहाँ पर कंजॉइंट एंड क्लोज सिस्टम है, यहाँ पर ओपन सिस्टम और एंडार्क सिस्टम है। लीव्स डॉर्सी वेंट्रल एंड लीव्स आइसोबाइलेट्रल है। लीव मेनेशन पैरेलल, यहाँ पर रेटिकुलेट है। यहाँ पर फ्लावर ट्राइमेरस, यहाँ पर टेट्रा या पेंटामेरस है। इसके अलावा इनके फ्लावर में चार पार्ट होते हैं, कैलेक्सोला एंट्रूसियम गायनोशियम। ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर एग होता है। एम्ब्रियो सैक में सात सेल और आठ न्यूक्लियस कंडीशन पाई जाती है। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, जो आप लोग पढ़ते हो क्लास 12th में डिटेल में। और इसके बाद लास्ट में ये उसका पूरा क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म। बात समझ में आ गई क्या? तो अभी आज जो हमने पढ़ा बच्चों, वो पढ़ा कंप्लीट प्लांट किंगडम, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसको कंप्लीट करने के बाद, इसको समझने के बाद, मैं आप सब बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कल मेंटीमीटर के लिए तैयार रहें। कल आपको एल्गी के भी जवाब देने हैं, ब्रायोफाइटा के भी, टेरिडोफाइटा के भी, जिम्नोस्पर्म के भी। एनसीईआरटी पढ़ के बैठें, इसको अच्छे से तैयार करें। जो भी क्वेश्चन आपके हों मेरे से पूछ लें, एडवांस में पूछ लें, ताकि कल हम लोग क्या कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव करा सकें और रिजल्ट निकाल सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम लोग कल फिर से मिलेंगे मेंटीमीटर पर, और उस मेंटीमीटर पर प्रयास करेंगे कि आपके हम लोग रिजल्ट दे सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।